हेलो डियर टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सूरज को ट्रिपल एसेंडिंग टॉरस। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, चाहे रीजन कोई भी रहा है, वो साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये आज से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। सन साइन, मून साइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस जो आपके पर्सन हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप चला हुआ है, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चला हुआ है जिनसे, तो वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं और क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो टॉरस के पर्सन की, टॉरस के पर्सन अपने टॉरस के बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं राइट नाउ, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं टॉरस के लिए। द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में चाहते हैं, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाता है, तो धीरे धीरे करके कोई जो भी गिले शिकवे हैं उनको छोड़ते हुए इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है कि वो इस रिश्ते में आगे से कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होगा, वो इस रिश्ते में आगे आने के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। तो धीरे धीरे करके जो है बिना कोई, अगर वो उनके साथ कोई माइंड के मैनिपुलेशन नहीं करते तो जो भी उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर सामने वाला माफ़ी नहीं भी देता तो दिल से उन्हें माफ़ करते हुए उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी तैयार होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, गुड लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, और यही बिगनिंग, यही शुरुआत आगे जाकर एक जो है लॉन्ग लाइफ के लिए स्टेबिलिटी ला सकती है। और डिवाइन हाथ बना हुआ है, धीरे धीरे करके दुख के बादल हैं जो उनका छटना होगा, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। और अगर एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो धीरे धीरे करके जो एक बच्चे की एनर्जी होती है, बच्चे की तरह अगर वो इनोसेंट रहते हैं, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं रहता, उसी भावना से अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, खुद को हैप्पी रखेंगे, सामने वाले को हैप्पी रखेंगे, तो जो है धीरे धीरे करके ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, सूरज की तरह चमकेगा, नेम और प्रेम मिलेगा। और बहुत जल्दी वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी आती है, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया मेहमान, नया बच्चा भी आ सकता है। तो ये रिश्ता अलायंस होगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम सारी चीज़ें होंगी, और बहुत जल्दी एक नया बच्चा भी आएगा। तो देख लेते हैं टॉरस राशि के लोग जिनका अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, तो उनके पार्टनर उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस राशि वालों के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, सॉरी, क्या वो उनसे क्या चाहते हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो हम देख चुके हैं। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि पहले इस रिश्ते में जाने से पहले उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। अकेले रहते हुए अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो जो है इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आएंगी, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐशो आराम होगा, सब कुछ होगा, तो रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। और वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टैंड लें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, और क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर साफ और स्पष्ट इस रिश्ते को करेंगे, सरल बनाएंगे, आसान बनाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, चाहे
दुख इसमें टॉरस को हो या टॉरस के पर्सन को हो, लेकिन क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो रिश्तों में सुधार होगा, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें ताकि रिश्ता आगे बढ़ने में, स्टैंड लेने में उन्हें मदद मिल सके। और इसमें क्लियरिटी के साथ चाहे दुख किसी को भी हो, चाहे उनके एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना बोलना पड़े, तो जो भी दुख के बादल हैं, जो भी ऑब्स्टिकल हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे और इस रिश्ते में खुशियां आएंगी, कामयाब ये रिश्ता होगा, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी, ऐसा वो उनसे चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, दुख के बादल को ख़त्म करना चाहते हैं। देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे, टॉरस के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं इसमें गेट टुगेदर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अगर एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर होगी या फिर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट होगा, एक दूसरे के साथ अपनी बातें कहने का मौका मिलेगा, जो भी इमोशंस हैं, जो भी परेशानी, जो भी दुख तकलीफ है, एक दूसरे से अगर शेयर करेंगे तो उन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में छोटे मोटे चैलेंजेस तो ज़रूर आएंगे, बाधाएँ ज़रूर आएंगी, रुकावटें ज़रूर आएंगी, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ ऐसी भी कोई बात नहीं है जिनका समाधान ना हो सके। तो धीरे धीरे करके अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो भी दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और एक शुरुआत हो सकती है। और वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जब तक जो इस रिश्ते में चीटिंग हुआ है, फरेब हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, तो वो उनको हील करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपनी विजडम और नॉलेज गेन करें, समझदारी के साथ जब चुप रहें, खामोश रहें, समझदारी के साथ जब उनको लगे कि वो हील हो चुके हैं, हीलिंग और मेडिटेशन कर चुके हैं, अब उनकी एनर्जी अच्छी हो गई है, तो धीरे धीरे करके इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, धीरे धीरे करके अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, उन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए वो इस रिश्ते में चुप्पी और खामोशी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में सुधार हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इसमें बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह करेंगे कि ये डिसाइड कर लेंगे कि फिर से उनकी तरफ से कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगा, तो रिश्तों में सुधार होगा और जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति आ चुकी है, तो वहाँ जो है फ्रूटफुल और कामयाब ये रिश्ता होगा, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिलेंगी। इस तरह का वो एक्शन इस रिश्ते में लेना चाहते हैं या चाह रहे हैं कि उनके पर्सन इसमें आगे बढ़ें और इसमें एक्शन लें। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील करने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि ये रिश्ता प्रैक्टिकल हो सके और स्टेबल हो सके। तो अगर हीलिंग और मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे करके जो आपको दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, नेगेटिविटी आई है इस रिश्ते में, स्ट्रेस में आप हैं, ट्रबल में हैं, मुसीबत में हैं, हर्टेड हुए हैं, या जो भी तकलीफ आपको हुई है, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होगी और नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, ये सोचकर कि जो रिश्ता क्रॉस मार्क पर है, जो आधार में लटका हुआ था, तो
अगर वो एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे करके पुरानी बातों को बुलाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इसमें रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा और फ्रीडमली आगे लाइफ में खुशी खुशी वो रह सकेंगे, एक दूसरे के लिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि कोई कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर वो इस जगह को चेंज करेंगे, सिटी को चेंज करेंगे या फिर दूसरे स्टेट में जाकर रहेंगे या फिर फॉरेन में जाकर रहेंगे, तो शायद उनके लिए ये रिश्ता और भी कामयाब होगा और भी खुशियाँ इस रिश्ते में मिलेंगी। हो सकता है आप या आपके पार्टनर पहले से फॉरेन में रहते हो या दूसरे स्टेट में रहते हो, तो लॉन्ग टाइम डिस्टेंस की वजह से भी ये रिश्ते में परेशानी या बाधाएं हो सकता है आपकी आई हुई है। तो अगर आप दोनों मिलकर इसको चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो परेशानी, वो दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि जो भी गलतियां हुई हैं एक दूसरे ने, चाहे वो हिडन लव रहा है या फिर किसी वजह से इस रिश्ते में दरार आई है या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के रिश्तों में रहा है, तो अगर एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो रिश्तों में सुधार होगा और धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से रिश्ता कामयाब होगा, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा होगा और यूनिवर्स की तरफ से रिश्ता सोलमेट होगा और इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।